हे टेकीज, दिस इज मानस। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बंसल टेक। तो आइकू ने कुछ टाइम पहले अपने लॉन्च किया था अपना IQ Z5 चाइना में और इंडिया में। अब आइकू लॉन्च करने वाला है अपना IQ Z5X। ये फ़ोन अब चाइना में लॉन्च होने वाला है इस मंथ। इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, साथ में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस वाली 120 हर्ट्ज की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। पर यहाँ पे आपको कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी ना IPS डिस्प्ले मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आईकू को एटलीस्ट IPS डिस्प्ले देनी चाहिए थी। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट देखने को मिलेगा। ये जो चिपसेट है मेरे हिसाब से एक फ़ोन में यूज़ किया गया है सिर्फ, जो कि है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो रेनो 6 स्मार्टफोन। और हो सकता है अब ये सेकंड स्मार्टफोन हो जिसमें ये जो चिपसेट है यूज़ किया जाए। अब बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको 50+2 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। बट अगर रियलिटी माने तो सिंगल कैमरा ही है एक तरफ से। फ्रंट में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग की बात की जाए, तो इसमें आपको 4880 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 44 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सही काम किया आईकू ने। अब बात करें इसके वेट और थिकनेस की, तो यहाँ पे आपको 8.5 mm की थिकनेस मिलेगी इस फ़ोन की, और 189 ग्राम का वेट होने वाला है इस स्मार्टफोन का। साथ में इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। ये जो फ़ोन है ओरिजिन OS 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 पे रन करने वाला है चाइना में। और साथ में इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में पता चला है कि यहाँ पे आपको 6 GB रैम और 8 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा, और साथ में 128 GB/512 GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये है इसकी स्पेक्स। अब बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है बताया जा रहा है इसी मंथ चाइना में लॉन्च होने वाला है। इंडिया लॉन्च का अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं। बाकी बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, तो ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना में 15 से लेकर 16,000 रुपीज़ के अराउंड लॉन्च हो सकता है। और अगर ये इंडिया में आता है तो आप मान के चल सकते हैं ये जो स्मार्टफोन है ये 18 से लेकर 19K के अराउंड लॉन्च हो सकता है। बाकी देखते हैं इसकी क्या प्राइसिंग निकल के आती है और क्या ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं, ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।